ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर आधा से दुखता ही रहता है, उस व्यक्ति को जिसको माइग्रेन की दिक्कत है, बहुत दवा बहुत तरीके अपना लिए फिर भी माइग्रेन की समस्या ठीक ही नहीं हो रही, तो शिव पुराण का एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिसको माइग्रेन या आधा सिर की दिक्कत है, वो व्यक्ति शिव मंदिर में जाए और भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित करे सोमवार की अष्टमी के दिन। अब किस जगह पर ये 7 लौंग समर्पित करना है, तो ये 7 लौंग जहाँ शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी जगह पर ये 7 लौंग को समर्पित कर दें। ये कहकर कि मेरे देवाधि महादेव, मेरे भोले भंडारी, मैंने 7 लौंग आपको समर्पित कर दी है, आप हमारी माइग्रेन या आधे सिर की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ही बोलेगा, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से अपने दर्द के बारे में बताता है, ठीक उसी प्रकार से। तो बस उन 7 लौंग को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके अपनी समस्या को भोले बाबा से कहकर कुछ ही देर बाद उन 7 लौंगों को घर उठा लाइए। एक एक करके उस लौंग को सुबह के समय बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए अपने दरवाजे की चौखट पर या फिर शिव मंदिर की चौखट पर बिना मुंह धोए, बिना स्नान किए उन 7 लौंग को चबा चबा कर खा जाइए। ध्यान देना, एक एक लौंग को एक एक दिन, जैसे कि 7 लौंग में से एक लौंग को चबा कर खा लिए, उसके बाद दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन दूसरी लौंग खाएँ, ठीक इसी प्रकार उन 7 लौंग को रोजाना भगवान की चौखट या अपनी चौखट पर बैठ कर 7 दिन 7 लौंग को चबा चबा कर खाएँ। दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिंदगी में कभी भी आपको माइग्रेन या आधे सिर की समस्या नहीं हो सकती। ये शिव पुराण में लिखित उपाय है। तो जो लोग इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, यदि उनमें में से किसी को भी माइग्रेन या आधा सिर दर्द की समस्या है, तो ये उपाय जरूर करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। दोस्तों, ये उपाय ठीक उसी प्रकार काम करेगा जैसे वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुँच जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म महादेव तक पहुँच जाते हैं। हर हर महादेव।